अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीन नियाज है और आप देख रहे हैं लेबर लॉ अवेयरनेस सीरीज़। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉय कार्ड्स के ऊपर, क्योंकि हमारे लॉ में एक छोटी सी भी चीज़ लिखी हुई है कि हर एम्प्लॉय को आपने कार्ड देना है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसको आप कार्ड इशू करते हैं, उसके अंदर उसका कार्ड नंबर होता है और उसकी बेसिक डिटेल्स होती हैं जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि वो किस डिपार्टमेंट में है और क्या काम कर रहा है। ऐसे कुछ लोगों को कार्ड नहीं दिए जाते इंडस्ट्री के अंदर और फिर ये भी तासुर बयान किया जाता है कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं या फिर टेम्प्रोरी वर्कर हैं या बदली वर्कर हैं, इसकी वजह से इनको कार्ड नहीं दिया गया या परमानेंट हो गए तो कार्ड दिया जाएगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमारा लॉ है उसके अंदर ये चीज़ें बड़ी ही क्लियरली डिफाइन है कि जितनी भी कैटेगरी का वर्कर हो, जिस कैटेगरी में भी वो काम कर रहा हो, उसको आपने कार्ड इशू करना है। आपको मैं ये शेयर करूँगा कि कौन सा ये लॉ है और इसके कौन से सेक्शन में ये चीज़ डिफाइन हुई हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि इंडस्ट्रियल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का जो ऑर्डिनेंस है, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस जिसे हम कहते हैं 1968 का, स्टैंडिंग ऑर्डर्स में जब आप पॉइंट नंबर 2 पे देखेंगे, जो सेक्शन है स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 2, उसके अंदर ये चीज़ डिफाइन है कि कार्ड आपने हर एम्प्लॉय को देना है। अगर परमानेंट एम्प्लॉय है तो उसको कार्ड देना है, बकायदा उसका नंबर उसके अंदर मेंशन होगा, उसकी डिपार्टमेंटल डिटेल होगी। इन केस अगर आप बदली वर्कर हैं तो बदली वर्कर को भी आपने बदली वर्कर का कार्ड देना है, उसके अंदर उसका टेन्योर डिफाइन होगा। टेम्प्रोरी वर्कर है तो वो टेम्प्रोरी वर्कर को भी कार्ड देना है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर या जिस जिस कैटेगरी के भी वर्कर हैं, उन सब को आपने कार्ड देना है ताकि उनकी डिपार्टमेंटल आइडेंटिफिकेशन हो, और इन केस उनका कॉन्ट्रैक्ट अगर ख़त्म हो रहा हो तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को सरेंडर करें और इस कार्ड को भी सरेंडर कर दें। जिस तरह से पंजाब में या फिर फेडरल लेवल पर ये लॉ है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968, सिंध ने इसको तब्दील करके इसका नाम थोड़ा सा चेंज किया, उसमें ये हो गया कि सेंट्रम ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, जिसके अंदर सेम स्टैंडिंग ऑर्डर पॉइंट नंबर 2 में ही कार्ड की चीज़ें डिफाइन की गई हैं और जिसमें यही सारी बातें लिखी हुई हैं जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस में पुरानी लिखी हुई थी, क्योंकि उसी से ये चीज़ एक्सट्रैक्ट करके बनाई गई है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कार्ड क्यों ज़रूरी है और क्यों अपने वर्कर को कार्ड देना है, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो टेम्प्रोरी हो या फिर किसी भी कैटेगरी का वो काम कर रहा हो, तो उसके कार्ड डिस्प्ले होना चाहिए। इन केस अगर कोई इंस्पेक्टर, कोई ऑडिटर देखना चाहे तो वो उसको उसके बोलने पर ऑथराइज पर्सन को वो कार्ड शो करवाए और उसकी आइडेंटिफिकेशन का पता चले। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहें। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।